फर्स्ट ब्लॉग को वायरल करने के लिए मैंने कौन कौन सी ट्रिक अपनाई थी, ये जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, तो मैंने अपने वीडियो को वायरल करने के लिए कौन सी वायरल ट्रिक यूज़ की थी, तो वो वायरल ट्रिक, तीन तरह की ट्रिक मैंने वहाँ पर यूज़ की थी जिससे मेरा वीडियो और मेरा वीलॉग वायरल हो गया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो तीन, मेनली तीन काम कौन से थे जिसकी वजह से मेरा वीडियो और मेरा ब्लॉग वायरल हो गया। तो पहला काम मैंने ये किया था कि मैंने एक मेरी नई जीमेल आईडी बनाई थी और जो मेरी पुरानी जीमेल आईडी थी उसको बंद कर दी थी, और वो आईडी बनाने के बाद मैंने नई तरीके से नया अपना सेटिंग करके और नई जो भी नई सेटिंग होती है अकाउंट ओपन करने के लिए उससे यूज़ करके मैंने अपना नया यूट्यूब अकाउंट ओपन किया, और उस अकाउंट में मैंने जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है वो वाला वीडियो अपलोड कर दिया। वो अपलोड करने के बाद में मुझे जितनी मेहनत वो अपलोड करने में लगी उससे कई ज़्यादा मेहनत मुझे उसका थंबनेल बनाने में लगी, सोचने में लगी कि किस तरह से मैं उसको क्रिएटिव बनाऊँ ताकि लोग और आप उसे देख सके और मेरा वीडियो जो है वो वायरल हो सके। दूसरी ट्रिक ये है दोस्तों कि आपका थंबनेल, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वीडियो में, जहाँ कि लोग जिस तरह से आप उसको, जितना अच्छा आप उसको क्रिएटिव और उसको अच्छा बना सके उसी तरह वो वायरल होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। आपका थंबनेल अगर अच्छा हो, क्रिएटिव हो, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ उस पर कोई क्लिक नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा, वरना आपका वीडियो वायरल होने से रहा नहीं। तो इसलिए अपना जो थंबनेल है उसको प्रॉपर बनाइए और अच्छा बनाइए ताकि लोग उस पर क्लिक कर सकें। और दूसरी ट्रिक है दोस्तों, आपका जो यूट्यूब अकाउंट है आप उसके अंदर जो वीडियोस है जो आप अपलोड करोगे तो उसमें एक प्रॉपर टैग होना चाहिए। वो टैग आप यूज़ करके और वो टैग के ज़रिए ही आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने टैग डालना, अगर आपको टैग नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए कि गूगल पे जाइए और आपका जो चैनल का नाम होगा और जो वीडियो जिस रिलेटेड होगा उसको आप सर्च कीजिए, तो आपको बहुत सारे अलग अलग टैग आपको मिल जाएंगे। तो उसी टैग को यूज़ करके उसी टैग को आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो वीडियोज़ है वो वायरल होने में आसानी हो जाएगी। और दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ऑडियो क्वालिटी उसमें अच्छा होना चाहिए। जो आप कोई भी वीडियो आप बनाओ तो उसमें आपका ऑडियो क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए जिससे लोग आपको सुन सके और आपकी आवाज़ को अच्छी तरह से और अच्छी क्वालिटी की तरह वहाँ पर वीडियो में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैं लेकर आऊँगा अगला वीडियो जहाँ पर आप, तो चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था जिसे आप यूज़ करके आपका अपना जो वीडियो है उसको वायरल कर सकते हैं, और ये ट्रिक आप यूज़ कीजिए तो 100% आपका वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था, तो आप ये ट्रिक यूज़ कीजिए तो जल्द से जल्द आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, और यही ट्रिक यूज़ करने पे आपका 100% आपका वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे वायरल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों।